महागठबंधन की बड़ी बैठक पटना में संपन्न हो गई है और ये तय हो गया है कि हर हाल में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम के कुर्सी से उतारना है। इसके लिए तमाम दलों को जब एक मंच पर लाना है तो पूरी रणनीति से कार्य करेंगे। सभी दल एक साथ एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे और मिशन 24 का शंखनाद पटना में ही होगा। 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की जुटान होगी और वहीं से ऐलान होगा कि नरेंद्र मोदी को कैसे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के गद्दी से उतारना है। दरअसल विपक्ष की बड़ी बैठक राजधानी पटना में 12 जून को होने जा रही है, इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। पटना के ज्ञान भवन में विपक्ष के तमाम नेताओं की जुटान होगी। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक आ रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक आ रहे हैं, हेमंत सोरेन से लेकर एमके स्टालिन तक आ रहे हैं। 18 अलग अलग दलों के नेता जब पटना में पहुंचेंगे तो रणनीति बनेगी, लेकिन इससे पहले तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए और यही वजह है कि आज विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में हुई है, महागठबंधन की बैठक हुई है और बिहार के सत्तारूढ़ दलों ने एक साथ बैठकर यह तय किया है कि हर हाल में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारना है। इसके लिए रणभेड़ी बिहार से ही बजेगी और शंखनाद जब बिहार से होगा तो बिहार में बैठकर ही तय होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं पटना के आरजेडी दफ्तर की। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विधायकों की हैसियत से सबसे बड़ी पार्टी है और लालू यादव ही ये तय कर रहे हैं कि कैसे कब क्या होगा। यानी लालू प्रसाद यादव ही महागठबंधन के इस बड़े बैठक के सबसे बड़े रणनीतिकार होने वाले हैं। लेकिन पटना में बैठक होगी तो किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां होगी, इसको लेकर बैठक हुई है और बैठक में साफ तौर पर तमाम दलों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि हर हाल में बीजेपी को हराना है, एक मंच पर सबको लाना है और एक मंच पर लाकर हम लोग ये तय करेंगे कि अब बीजेपी के खिलाफ किन मुद्दों पर लड़ना है। पटना के ज्ञान भवन में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, जब ममता बनर्जी पहुंचेगी, जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जब हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, जब शरद पवार पहुंचेंगे, जब उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे, जब एमके स्टालिन पहुंचेंगे, जब डी राजा पहुंचेंगे, जब सीताराम येचुरी पहुंचेंगे, तब ये तय होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारना है। लेकिन इससे पहले ये भी तय होगा कि मोदी सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना है हमें, वो मुद्दे क्या होंगे। पटना में जो तय हुआ है आज, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है इसको लेकर युवाओं को जगाना होगा, बिहार में रोजगार देना होगा, ये रणनीति बन गई है और अब विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होने जा रहा है। यानी इंतजार कीजिए 12 जून का, जब देश के तमाम सियासी दिग्गजों का पटना में जुटान होगा, विपक्ष की बड़ी बैठक होगी और पटना के ज्ञान भवन में तय होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाना है। पटना बिहार की और राजधानी है, लेकिन बिहार में बैठकर ये तय होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी हारेंगे। बिहार के रणबांकुरे मैदान में उतरेंगे तो ये दिखाएंगे कि 40 में कितना सीट जीतते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की मुद्दा क्या होगा। यानी बैठक में सब कुछ तय हो गया है, अब रणभेड़ी बजने वाली है। फिलहाल अपटुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।